मुकेश जी, अभी देवकी नंदन करके कोई महात्मा है, महाराज है, उन्होंने बोला था कि संविधान के अंदर ये बदलाव होना चाहिए, है ना? तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? पहली बात तो यह है कि देवकी नंदन महाराज एक साधु है, ठीक है, उसे संविधान के बारे में कोई भी राइट नहीं है, ना तो दलितों के बारे में कहने की बात है, ना ब्राह्मणों के बारे में कहने की बात है। पहली बात तो वो पाखंडी है, देवकी नंदन वो महाराज है, तो महाराज की तरीके से काम है। संविधान बदलने का उसका कानून नहीं है। संविधान जो बदला जाएगा वो बदला जाएगा लोकसभा के अंदर, जब सरकार को जरूरत होगी। कोई भी कानून है, संविधान बदलने का कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि कानून में संशोधन तो कर सकते हैं, कानून के अंदर संशोधन कर सकते हैं, संविधान के अंदर संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन संविधान नहीं बदल सकते, बशर्ते बात क्या कि वो अपनी ब्राह्मण मेंटेलिटी, आरएसएस की जो सोच है, उसको हमारे ऊपर जबरदस्ती दलितों के ऊपर वो थोपना चाहते हैं। कि 70 साल से हम लोग लीगल तरीके से काम कर रहे हैं और इन लोगों को जरा सी बात भी सहन नहीं हो रही। SC ST इन लोगों ने ख़त्म करा दिया, BJP सरकार ने ख़त्म करा दिया, लेकिन फिर भी इन लोगों का सब्र नहीं।